दोस्तों मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। शायद इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के खिताब सबसे ज़्यादा बार जीते हैं। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस टीम का संतुलन कई खिलाड़ियों से मिलकर बना है। रोहित शर्मा जहां तेज़ गति से खेलने के लिए जाने जाते हैं, हार्दिक पांड्या पोलार्ड निचले क्रम पर मजबूती देते हैं, तो वहीं मध्यम क्रम में एक बल्लेबाज ऐसा है जो इस टीम को गति के साथ साथ ताकत देता है और उस खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव। केकेआर से मुंबई माने के बाद सूर्य कुमार यादव की मानो खेल ही बदल गया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और कई बार मुश्किल वक्त में टीम को उबार कर जीत की तरफ ले जाते हैं। आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने शुरुआती झटकों के बाद अपनी टीम को न केवल उबारा बल्कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और अपने खेल के बाद ये दिखा दिया कि सूर्य कुमार यादव एक अच्छे डिफेंस के साथ साथ तेज गति से रन बनाने में भी माहिर हैं। दोस्तों इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करी और क्विंटन डिकॉक के जल्द आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा के साथ खेलने के लिए क्रीज पर आए। लेकिन रोहित शर्मा और ईशान किशन के जल्द आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक छोर संभाल कर रखा और आखिर तक नॉट आउट रहे। दोस्तों इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंदों पर 79 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस दौरान सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट दोस्तों 168 का रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को जोफ्रा आर्चर की एक तेज बाउंसर लगी, लेकिन इस बाउंसर के बाद सूर्य कुमार यादव ने जोफ्रा आर्चर को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया और अगली ही गेंद पर एक शानदार इम्प्रोवाइजेशन करके विकेट कीपर के सर के ऊपर से छक्का लगाया। इस छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव ने यह बता दिया कि इस बल्लेबाज में तकनीक के साथ साथ नजाकत भी है। तो दोस्तों ये थी सूर्य कुमार यादव की इस मैच की हाईलाइट। वैसे आपको सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।